हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। मैं हूं इंडियन तड़का ब्लॉग्स। आज हम बात करने वाले हैं बॉर्डर क्रॉसिंग करते टाइम में आपको किन किन पॉइंट पे ध्यान देनी है। पहला है डॉक्यूमेंट ना लाना। जब भी आप इंडिया से नेपाल आ रहे हो या नेपाल से इंडिया जा रहे हो, डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि विदाउट डॉक्यूमेंट आपको बॉर्डर क्रॉस करने के अलाउ नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लेके जरूर आए, नहीं तो भी आपको वापस जाना पड़ सकता है। दूसरा है टाइमिंग का ना समझना। बॉर्डर सुबह 6 बजे से लेके 10 रात को 10 बजे तक चालू होता है, रुपैडिया और नेपालगंज की बॉर्डर। अलग अलग बॉर्डर अलग अलग समय होता होगा, पर जब भी आए ये टाइमिंग की ख्याल रखे। इसके लिए आपका जर्नी उस हिसाब से करें। तीसरा पॉइंट की बात किया जाए तो बॉर्डर में लिफ्ट न देना न लेना। आपको बता दूं अभी इस वक्त बॉर्डर में हो, और बॉर्डर में जब भी आप आए तो इसके उस पार नेपाल है, इस पार जो है हिंदुस्तान है, इंडिया। ओके, और आपके बाइक में ना कभी किसी को बैठाना है, यहाँ से आगे कोई लिफ्ट मांगे ना आपको कभी बैठना है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि बॉर्डर में ज़्यादातर इलीगल वर्क होता है, इसकी वजह से हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो। इसके लिए ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। हाँ, चौथी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि करेंसी एक्सचेंज। करेंसी एक्सचेंज ऐसा है कि दोस्तों, अगर आप इंडिया से आ रहे हो या नेपाल से इंडिया जा रहे हो तो बॉर्डर में करेंसी एक्सचेंज जरूर कर लेना। और करेंसी एक्सचेंज करते टाइम में जो लीगली बैठे हुए हैं उन लोगों से करना बेहतर रहेगा, नहीं तो कई बार ऐसा लूटने के काम भी होता है, जो रास्ते में बैठे होते आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिया जाता है, तो ये चीज़ हमेशा याद रख लेना। पाँचों चीज़ है, जब भी आप बॉर्डर क्रॉस करने जाएँ तो पहले से जो व्हीकल वाला है उससे प्राइस फिक्स कर ले, और प्राइस इस हिसाब से फिक्स कर ले कि आप इंडियन करेंसी की बात कर रहे हो या नेपाली करेंसी की बात कर रहे हो। जैसे कि आप बॉर्डर के रुपैडिया, अभी इस वक्त मैं रुपैडिया और नेपालगंज के बॉर्डर में हूँ, और ये बॉर्डर के सीन है, देखिए ये पूरा बॉर्डर का सीन है यहाँ। तो आपको एक बात फिक्स कर लेनी है, जैसे आप रुपैडिया से बैठोगे नेपालगंज के लिए, तो समझो एग्जाम्पल के लिए आपको किराया 100 रुपये लग रहा है, तो नेपालगंज उतरने के बाद आपको इंडियन 100 रुपये देना है या नेपाली 100 रुपये देना है, ये भी आपको क्लियर करनी है। जैसे कोई नेपालगंज से इंडिया के बॉर्डर के पास आ रहा है तो उस टाइम में वो प्राइस इंडियन है या नेपाली है, वो भी क्लियर करनी है। कई बार ऐसा होता है कि आप बैठोगे यहाँ से और जाओगे नेपाल में, तो ये कह दिया जाता है कि आपको हमने इंडिया में बात किया था तो इंडियन करेंसी की बात होगी, तो आप कैसे क्या नेपाली में बोल रहे हो, ये भी हो सकता है। और दूसरा ये भी हो सकता है, जैसे आप नेपाल से बैठोगे इंडिया के लिए, तो जैसे आप बॉर्डर में आओगे तो नेपाल से बैठ के जब बॉर्डर में आप किराया तो फिक्स कर लोगे, उसके बाद ये हो सकता है कि आपको ये भी बोला जा सकता है कि आप अभी इंडिया में आए हो तो आप बॉर्डर में आए हो तो इंडियन करेंसी की हम बात कर रहे हैं। ये चीज़ की हमेशा आप क्लियर करके ही गाड़ी में बैठे। छठा चीज़ ये है कि आप ब्रोकर से बचे रहिए। जब भी आप बॉर्डर पे आएंगे, आपको इंडिया की हो या नेपाल की हो, आपको ब्रोकर मिलेंगे, उस टाइम में आपको बचे रहना होगा, क्योंकि वो लोगों का मकसद ये होता है कि आपको किसी तरह से लुभा के आपको मतलब अच्छा रूम रेंट देंगे या अच्छा घुमाएंगे या आपका लगेज हम सप्लाई कर देंगे, लगेज पास कर देंगे, उनका ये होता है। कई बार हम घबरा जाते, वो हमें खुद घबराने की सिचुएशन में डाल देते। कई बार ये कहते हैं कि वो लोग मतलब आपके पास तो सामान ज़्यादा है, ये तो आपको जेल हो सकता है, लूट लिया जाएगा, पूरा खोलना होगा, 1-2 घंटे आपकी समय वेस्ट जाएगा, ऐसे करके बता दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपने इलीगल सामान लेके मत आइए, और से लीगली सामान आपकी क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो आप इस टाइप से हमेशा ब्रोकर से बचे रहिए और खुद ही डील कीजिए, और ये करेंगे आपको अच्छा रहेगा। और आप भले नेपाल से इंडिया जा रहे हो या इंडिया से नेपाल आ रहे हो, ये चीज़ की हमेशा ख्याल रखिएगा, और आपको जर्नी एकदम अच्छा होगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका है, जितने पॉइंट मैंने बताया आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छे लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
फेस टू फेस में देख रहे हो तो फेस को फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय नेपाल, जय भारत। और जाते जाते आप सभी दोस्तों का भी जय जयकार, जय जयकार, लव यू ऑल, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।